कि सरकार बाहर क्या देख रही है, फीडबैक क्या ले रही है। खुद आईना देखने की जरूरत है कि उनका चेहरा कितना। इन चीज़ों का वादा करके यह सरकार आई थी, उन चीज़ों का वादा अपने दूसरे कार्यकाल तक में नहीं पूरा कर सकती। उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर साहब ने जो बताया वह आलोक मेहता के उस बयान पर मुहर, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वो अब 15 लाख तो भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा सब लोगों का। सर, पॉक्सो एक्ट के बावजूद भी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इस पर क्या कह रहे हैं? देश में बेटी बचाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का यह रवैया पूरा देश देख रहा है कि बेटियों के साथ किस तरह अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार के बाद अत्याचार किया जा रहा है, मतलब उनको राहत नहीं दी जा रही है और घसीट घसीट कर किस चीज़ का प्रदर्शन और किस चीज़ की नुमाइश कर रहे हैं यह पूरा देश देख रहा है। और यह बहुत खेदजनक विषय है कि इस जमाने में जहाँ मानवाधिकार और इस देश के अंदर कानून है, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, महिला सुरक्षा अधिनियम है और तमाम तरह के सुरक्षात्मक कानून बनने के बावजूद ही इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए देश को देखना पड़ रहा है कि वह व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और हम इसे कंडेम करते हैं। देश की जो महिलाएं हैं उनको अब खुद खड़ा होने का समय आ गया है और जो लोग इस तरह की बात, इस तरह का मतलब बर्ताव महिलाओं के साथ कर रहे हैं उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। 9 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं आप? बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिनों पहले, 9 साल बेमिसाल। अब हम लोग के देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ा, जनता देख रही है। आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। 10वें साल में उसका उसकी झलक पूरे देश को मिल जाएगी, क्या लोगों ने देखा? बायोस्कोप देखकर जनता आने वाले दिनों में वोट नहीं देगी, जनता टेंजेबल डेवलपमेंट देखना चाहती है। जिन चीज़ों का वादा करके यह सरकार आई थी उन चीज़ों का वादा अपने दूसरे कार्यकाल तक में नहीं पूरा कर सकी, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वो अब 15 लाख तो भाई बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा सब लोगों का। तो ये तमाम चीज़ें और देश के की अर्थव्यवस्था जमीन छू रही है और इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके पतिदेव एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, अपने आईना देखने की ज़रूरत है इस सरकार को कि सरकार बाहर क्या देख रही है, फीडबैक क्या ले रही है। खुद आईना देखने की ज़रूरत है कि उनका चेहरा कितना विभत्स हो चुका है। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक बिहार में होनी है और उसी दिन बीजेपी पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रही है ना। बीजेपी के पास जन आंदोलन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं और विपक्षी एकता की बैठक डेमोक्रेसी को मजबूत करने की एक पहल है और हम उसका स्वागत करते हैं। सर, उसमें कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक से बिहार की भूमि अपवित्र हो जाएगी, बीजेपी का नहीं। पवित्रता और अपवित्रता का पाठ उन लोगों ने पढ़ा है, उसको अपने चश्मे से देख रहे होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह संविधान के अंदर भी वो निहित है और हमारे पुरखों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम जो हमारे समाजवादी और जिन लोगों ने इस देश पर आज तक शासन किया है, नेहरू जी भी, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो कि उनके विरोधी थे, जो कि उनको मतलब एक अलाइनमेंट नहीं था, दूसरे दल के थे और उनको उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बहुत सम्मान के साथ देखते थे जो कि उनके घोर विरोधी थे। तो यह एक डेमोक्रेसी की जो प्रजातंत्र की एक भारतीय प्रजातंत्र की एक परंपरा जो रही है उसको तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों के शासन में हुआ है। अब टॉलरेंस लिमिट समाप्त हो गया इन लोगों का कि ये विरोध सह ही नहीं सकते, विरोध करने वाला देशद्रोही कहा प्रारंभ कर दिया जाएगा और यहीं से तो मतलब डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है। कौन कौन से नेता शामिल होंगे विपक्षी मुहिम के बैठक में? अब उसका मैं जानकारी पूरी लेकर बता सकता हूँ और जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं वो निश्चित रूप से आपको बताएंगे।
2019 में जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता था 305 कह के, उसी समय ऐलान कर दिया था कि अब उसके बाद 405 क्या लगता है आपको 405 कर रहे हैं? मैंने पिछली बार पुलवामा हुआ था तो अच्छे कार्यों का नतीजा चुनाव की जीत थोड़े ही थी, पिछली बार पुलवामा कारण था। अब आप सोच सकते हैं कि देश को किस हादसे पर धकेला जा सकता है चुनाव जीतने के लिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए देश की जनता को सतर्क रहना चाहिए। सर तो पुलवामा का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कराया गया था, चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हुआ था। आपने सुना नहीं गवर्नर साहब की बातें? आपको सुननी चाहिए, ये वह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। गवर्नर साहब ने क्या कहा? मैंने 4-5 महीने पहले कहा कि ऐसा लोग बोलते हैं तो राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया था, लेकिन आज उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर साहब ने जो बताया वह आलोक मेहता के उस बयान पर मुहर, तो इसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है और डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, सरकार किसी की भी बन सकती है, लेकिन प्रजातंत्र बचा रहेगा तो देश बचा। एक सवाल रहेगा मंत्री जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं और जदयू के कई मंत्री और विधायक की ओर से अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सबसे बेहतरीन पहल है, सबसे बेहतरीन विकल्प है प्रधानमंत्री के उद्धार के तौर पर, आरजेडी किस रूप में देखती है? आरजेडी में किसी ने कहा है कि नहीं है? सब लोग साथ हैं, ये तो मुहिम का हिस्सा है। बिहार का कोई व्यक्ति यदि उसकी उम्मीदवारी रखता हो तो बिहार के लिए गर्व की बात है, ये तो शुरू से हम। क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, KCR ये सभी को छोड़ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे आएंगे? अब विपक्षी एकता का जो मुहिम है वो अभी एक पहले ही पड़ाव पर है, इसलिए इंतजार कीजिए, सब कुछ संभव है। आप लोग किसे उम्मीदवार देंगे? देश की जनता कितनी तबाह हो रही है उस पर विपक्षी एकता की मजबूती ज़्यादा निर्भर है। राहुल के नाम पर आप लोग का क्या विचार है? है ना, किसी नाम पर विचार तो बहुमत दल का नेता होता है और उस समय विचार होगा। आज यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मुहिम में शामिल होता है, उसको वेलकम किया। आरजेडी चाहती है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने? नहीं, आरजेडी चाहती है कि देश में विपक्षी एकता बने और प्रजातंत्र की रक्षा हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से